कोरोना काल के बिजली बिल माफ हो, साथ ही पृथक विदर्भ की मांग को लेकर सोमवार को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आंदोलन किया गया। कोरोना काल के बिजली बिल माफ, ये मांग बीते दिनों से चल रही है। इस मांग को लेकर भाजपा की ओर से भी शहर में आंदोलन किया गया था, मगर अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। सोमवार को इसी मांग को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से शहर के वैरायटी चौक स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने किया आंदोलन किया गया। समिति के सदस्य राम नेवले, इन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में आए बिजली बिल माफ करे, नहीं तो आगामी 4 जनवरी को ऊर्जा मंत्री नितिन राउत इनके निवास स्थान के सामने भव्य आंदोलन किया जाएगा। हम हमारा काम कर रहे, जनता बड़ी त्रस्त है, बिजली के बिल इतने आए हुए हैं कि पहले तो रोजगार नहीं है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है, और ये महाराष्ट्र सरकार का जो महावितरण बिजली महावितरण कार्यालय है, उन्होंने 1 अप्रैल से 21% बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं, और 3 महीने जो लॉकडाउन था वो लॉकडाउन के तीनों बिल 3 महीने के बिल क्लब कर दिए, उसकी वजह से बिल तिगुना आ गया है, ज़्यादा आ गया है। हर घर घर में लोग त्रस्त है, घर घर में लोग परेशान है, इसलिए बिजली का आंदोलन बड़ा होते जा रहा है। लेकिन सरकार अभी तक ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो ऊर्जा मंत्री जो है उनका पुत्र उत्तर नागपुर जो मतदार संघ है वहाँ की सारी ये महिलाएं हैं, ये ज्योतिताई खांडेकर वगैरह, ये तो अब इन्होंने तो जाहिर किया है कि 4 जानेवारी को अगर इन्होंने निर्णय नहीं लिया तो 4 जनवरी को ऊर्जा मंत्री के घर में घर के घुसने वाले हैं सारे लोग, और उनको चूड़ियों का अहेर भी देने वाले ऊर्जा मंत्री को, ये सब महिलाओं ने तय किया है। सारे विदर्भ से लोग आएंगे और बड़े पैमाने पे 4 जानेवारी का आंदोलन, घेराव आंदोलन बहुत बड़ा होगा। सरकार को निर्णय लेना होगा, ये सरकार जो है मालिक इधर है, ये सरकार जो है ये हमारे सेवक है, मालिक लोग बोल रहे हैं कि कोरोना काल के बिजली के बिल मुक्त करो, अगर ये सेवक नहीं करते हैं तो चुनाव आने के बाद ये लोग जो है मालिक लोग उनको हाथ बताए बिगर रहेंगे नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि साथ साथ विदर्भ के भी आंदोलन जो चल रहा है, तो आज भाजपा का सरकार है, हमने भाजपा वालों ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार 2014 में उन्होंने बोला था हमारी सरकार ला के दो, हम आपको विदर्भ देंगे, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन वो उनका वादा भूल गए हैं। 4 साल उनका 5 साल सरकार चला, लेकिन उन्होंने मौनी बाबा बन के रहे, विदर्भ की बात नहीं कही, इसकी वजह से 15 आमदार तो उनके कम हुए, लेकिन अभी आज ऐसी परिस्थिति है कि उनका जो गढ़ है वहाँ भी उनके आमदार पदवीधर मतदार संघ में से कम हो चुके हैं। उनको समझना चाहिए कि उनका जनाधार कम होते जा रहा है, अगर उन्होंने विदर्भ नहीं दिया तो विदर्भ की जनता इतनी सुन्न हो चुकी है कि बीजेपी वालों को वो बताएगी कि अब तुम्हारा एक भी आमदार यहाँ से चुन के नहीं आएगा, खासदार चुन के नहीं आएगा, विदर्भ से सारी बीजेपी का सफाया हो जाएगा, यह भी हमारा आगे चलने वाला है। उद्धव ठाकरे सरकार चले जाओ, महाराष्ट्र सरकार चले जाओ, इसके साथ ही विदर्भ से बीजेपी चले जाओ, यह भी हमारा आंदोलन अब चालू होने वाला है। पास में अगर वेतन देने के लिए पैसा है, 30-30 लाख की गाड़ियां आमदारों को लेने के लिए पैसा है, बाकी सब काम वो कर सकते हैं, तो बिजली के लिए बिल के लिए उन्होंने कर्जा लेना चाहिए। आज 7,67,000 रुपया महाराष्ट्र सरकार के ऊपर में कर्जा हमको मालूम है, लेकिन ये एसेंशियल चीज़ है, ये सरकार का कर्तव्य है कि जब कोरोना का संकट आया तो जनता को उन्होंने साथ देने चाहिए, उन्होंने कर्जा लेना चाहिए, लेकिन कोरोना काल का सारा बिल विदर्भ के जनता का मुक्त करना चाहिए, उनको करना होगा, उनकी ड्यूटी है, उनका वो कर्तव्य है, नहीं तो ये आंदोलन बड़ा होगा, ये जनता अब रुकने वाली नहीं है, रास्ते जाम होंगे, और जो नेताएं हैं जितने भी नेता है विदर्भ में उनको ये रास्ते से घूमना भी मुश्किल होगा, ये हम आज चाले। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट, NBCN न्यूज़ नागपुर।